जादुई पेंसिल। एक गांव में कुशल नाम का एक लड़का रहता था। उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था। वह नुकीले पत्थर और छोटी लकड़ियों से कच्ची जमीन पर रेत पर चित्र बनाता रहता। उसके पास पेंसिल या कागज खरीदने के पैसे नहीं थे। वो हमेशा सोचता था, काश मेरे पास पेंसिल होती तो मैं कितने सुंदर चित्र बनाता। लेकिन वो रोज पूरी लगन से अपने चित्र बनाता रहता। एक दिन जब वह चित्र बना रहा था, उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने कुशल को पेंसिल दी और कहा, तुम इससे केवल गरीबों को चित्र बनाकर देना, और कभी जरूरत पड़े तो इसी पेंसिल के सहारे तुम मुझे बुला लेना। यह कहकर वह बूढ़ा आदमी गायब हो गया। कुशल बहुत खुश हुआ। उसने एक आम का चित्र बनाया। वाह, क्या बात है! अचानक ही वह आम असली हो गया। फिर उसने एक कुत्ते का चित्र बनाया। वह भी असली कुत्ता बन गया। ये क्या, ये तो एक जादुई पेंसिल है। बहुत बहुत शुक्रिया बूढ़े चाचा, आपकी ये बात मैं हमेशा याद रखूंगा। अब कुशल ने खाने का चित्र बनाया। वह भी असली खाना बन गया। फिर उसने अपनी माँ बाबा के लिए कपड़े, फल, अनाज आदि के चित्र बनाए। सब के सब असली बन गए। कुशल गरीबों को जो भी चाहिए होता था बनाकर दे देता था। गांव के लोग कुशल से बहुत ही खुश थे, क्योंकि वो गरीबों की सहायता करता था। यह खबर राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने कुशल को बुलाकर आदेश दिया, पहले एक सोने का पेड़ महल के बगीचे में बना दो, और तुम्हारी ये पेंसिल तुम मेरे हवाले कर दो। महाराज, आपके पास बहुत धन है। मैं केवल गरीबों के लिए ही चित्र बनाता हूँ। राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने आदेश देकर उससे वो पेंसिल छीन ली, और वह खुद सोने के पेड़ का चित्र बनाने लगा। लेकिन वह चित्र के अनुसार सोने का पेड़ प्रकट नहीं हुआ। उसने प्रधान जी को उस पेंसिल से चित्र बनाने को कहा, लेकिन उस चित्र से भी कोई चीज सामने प्रकट नहीं हो पाई। राजा बहुत क्रोधित हो गया। सुनो कुशल, जैसा मैं कह रहा हूँ तुम्हें वैसा चित्र बनाना ही पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें बंदी बना दूंगा। कुशल मन में ही सोचने लगा, अगर वो आदेश का पालन नहीं करेगा तो राजा उसे जेल में बंद तो करेगा ही, लेकिन वो गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। वह चतुर था ही। उसने पेंसिल उठाई और झट से बूढ़े आदमी का चित्र बनाया। वहाँ बूढ़ा आदमी प्रकट हो गया। उसने राजा को समझाया, प्रणाम महाराज, सच कहूँ तो आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन वाकई में जो गरीब हैं, कुशल उनके लिए ढेर सारी खुशियाँ लाने का काम कर रहा है। आपने उससे ये पेंसिल छीन ली, लेकिन ये आपकी इच्छा अनुसार कोई भी काम ना कर पाई, और ना ही किसी और के हाथों से उस चित्र में जान आएगी। कुशल के काम के प्रति लगन और उसकी ईमानदारी देख के ही उसे ये पेंसिल मिली है। राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने बूढ़े आदमी और कुशल से माफी मांगी। बूढ़ा आदमी वहां से गायब हो गया। राजा ने कुशल का सम्मान किया। इससे यही सीख मिलती है कि ईमानदारी और लगन से अपना काम करते रहना चाहिए। स्वार्थी होकर लोगों से छल करना गलत है। अल्ट्रा किड्स जोन पे डाले गए हर नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब करें अल्ट्रा किड्स जोन।